हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल संजीत एमजी में। और दोस्तों मैं आज बात कर रहा हूँ अपनी आपकी वीडियो जो होती है वायरल क्यों नहीं होती है और किस वजह से नहीं होती है दोस्तों, ठीक है। और जैसे कि आपको मैं ये बता दूँ, जो है कि 1 वीक हो गया, 2 वीक हो गया, ठीक है, 3 वीक हो गया, 1 महीना हो गया, तो आपके एक एक महीने तक रुक रुक के आपकी वीडियो वायरल क्यों नहीं हो पाती है, ठीक है। तो इसके वजह से मैं आपको बताऊँगा क्या क्या गलतियाँ होती है, क्या क्या आपको सुधारना चाहिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। सबसे पहले मैं बता दूं कि आप सबको पता होगा कि जैसे कि YouTube पे वीडियो जैसे इंप्रेशन YouTube भेजता है, तो आपकी वीडियो के जो थंबनेल होती है उस पर मैं 70% कम से कम वही आपको वायरल करने में साथ देता है आपका, ठीक है। आपका मतलब कि थंबनेल कैसा है, और सिर्फ आप जब भी देखेंगे YouTube के गाइडलाइंस में भी जाके देखेंगे तो उसमें भी यही लिख रखा है कि आपका थंबनेल मतलब कि अट्रैक्टिव होगा और मतलब कि पब्लिक लोगों को समझ में आएगा, व्यूवर्स लोगों को समझ में आएगा, तभी आपको क्लिक करेंगे, तभी आपकी वीडियो देखेंगे, वॉच करेंगे, तभी आपका मतलब कि व्यू आएगा, ठीक है दोस्तों। तो सबसे पहले मैं बता दूं दोस्तों कि आप जैसे कि आप पहले वीडियो बनाते हो ना, तो उसको पहले एक थंबनेल के द्वारा मतलब कि आपने वीडियो नहीं चलाना चाहिए। जैसे कि एक थंबनेल पहले वीडियो अपलोड कर दिए, पहला आपने थंबनेल लगा दिए, ठीक है। तो अगर उसको चल रही है आपकी वीडियो, ठीक है, जब तक चल रही है, ठीक है, चलने देना। तो अगर चल रही है, जब एक बार रुक गई रैंकिंग उसकी रुक गई, तो आप देखते रहना रैंकिंग रुक गई YT स्टूडियो में, रैंकिंग उसकी जब रुक गई तो एक नया थंबनेल बना के उसी वीडियो पर थंबनेल दूसरा लगा देना, वो वाला थंबनेल हटा के एक नया क्रिएट करके थंबनेल लगा देना। उससे क्या होगा दोस्तों कि आप फिर से इंप्रेशन भेजेंगे यूट्यूब, तो फिर जब रैंकिंग में आएगी आपकी वीडियो तो व्यूवर्स लोग देखेंगे कि यार ये थंबनेल, जब देखेंगे थंबनेल ऊपर देखेंगे आपकी वीडियो तो क्लिक किए नहीं होंगे कि आपको पता लगेगा नहीं किसी को भी कि वही वीडियो है। अगर कोई भी व्यूवर्स उसको फिर दोबारा क्लिक करेगा, फिर उससे आपको कुछ किसी को नॉलेज ले लेना होगा, तो फिर से वही वीडियो देख लेगा। तो इससे क्या होगा दोस्तों, आपका फिर रिप्ले आपका वीडियो चालू हो जाएगा और आपका फिर से रैंकिंग में आने लग जाएगा वीडियो। तो दोस्तों ये एक मतलब कि बहुत बारीकी से मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों यूट्यूब का, ठीक है, और इसका आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। मैं आपको बता दूं दोस्तों, कोई भी यूट्यूबर ऐसे बताता नहीं है, ये ट्रिक अभी तक कोई बताया नहीं है थंबनेल के बारे में कि आपने वीडियो एक बार लगा के और दूसरा भी लगा सकते। सोचते हैं यार, सब सोचते हैं कि एक बार मैंने लगा दिया तो एक ही बार उसको चलने दो, 10 बार 20 बार थंबनेल चेंज कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। पर दोस्तों कंडीशन ये है कि आपके थंबनेल आपका ही होना चाहिए और किसी का नहीं होना चाहिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपको बता दूं, पहले आप वीडियो में ये बता रखे हैं कि व्यू कैसे बढ़ाए, अपने चैनल पर व्यू कैसे लाए, ठीक है। तो पहले आपने पहले थंबनेल में ये लगा रखा था कि अपने 2022 में अपने चैनल पर व्यू कैसे लाए, ठीक है, पहले आपने ये थंबनेल में लगा दिया। और जब आप थंबनेल चेंज करेंगे तो उसमें जो शब्द होता है उसको भी चेंज करना होता है। ये दोस्तों ये नहीं कि डिजाइनिंग अलग कर दिया, थोड़ा मतलब कि वैसे थोड़ा फिल्टर कर दिया, तो उससे ये नहीं होगा। तो आप एकदम नया लगना चाहिए थंबनेल, जैसे कि आपने पहले उसी वीडियो पे, तो दूसरी बार कुछ और डाल दो, कुछ और अच्छा सा लिख के कि मतलब कि व्यूवर्स को लगे कि नई वीडियो है, ठीक है। अगर ये नहीं सोचो, ये अगर करके देखोगे आपको खुद के खुद आपको अपने वीडियो में इम्प्रूवमेंट दिखेगा दोस्तों। तो फिलहाल के लिए इतना ही दोस्तों, ठीक है दोस्तों, ये जरूर करके देखना एक बार और फटाफट बता देना एक बार कमेंट में कि आप सही में इफेक्ट पड़ा है कि नहीं पड़ा, ठीक है दोस्तों। तो फिलहाल के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक है नई वीडियो में। तो दोस्तों थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोज़।